बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईक्यू में बॉक्स वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये एनईटी जो बिज़नेस का जो एनईटी है या फिर इंजीनियरिंग में भी खास कर, तो एक से लेके चार पांच तक इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं NBS के टेस्ट में। अच्छा, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अमूमन ऐसे होता है ना कि आपको तीन बॉक्स दिए जाते हैं और आपने आप मतलब किसी एक में आपसे पूछा होता है कि उस नंबर को पॉइंट करो। अब इसमें जो है बीच वाला नंबर हम लोगों ने पॉइंट करना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा होता है ना कि आप इस और इसको, ये जो साइड पे है इनको प्लस करके ये आता है। तो अब दूसरे को दोगे, फिर तीसरे को दोगे, इस तरह से। तो पहले हम इस तरह से करते हैं, 1 प्लस 9 10, और ये जो है वो 16 के साथ 26, और ये 4 तो 30। तो इस हिसाब से तो ये नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो वन, हम इसका स्क्वेयरिंग देखते हैं, ठीक है, कि इसका स्क्वेयर क्या आता है। तो ये 1 स्क्वेयर हो गया, 4 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, और 2 स्क्वेयर। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 4 5, 6 7 8, और ये 9 10। तो ये तो सही आ रहा है इसका। अब देखते हैं कि दूसरे में ये पैटर्न बनता है या नहीं बनता, ठीक है। अब इसका क्या है, 5 स्क्वेयर, इसका 8 स्क्वेयर, इसका 10 स्क्वेयर, और इसका 4 स्क्वेयर। सो 10 प्लस 8 18, और ये 22, और प्लस 5 27। तो ये पैटर्न जो है वो इस तरह से फॉलो हो रहा है, ठीक है, स्क्वायरिंग का पैटर्न। तो अब जब इन दोनों में फॉलो हो रहा है तो इसमें भी फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। 6 स्क्वेयर, ये जो है 16 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको एडअप करते हैं, जो आएगा तो वो इसका आंसर होगा, ठीक है। 16 प्लस 6, 22 हो गया, 22 के साथ 8, तो ये 30 हो गया, और प्लस 12 इसका 42। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 42। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग पहले ये करेंगे ना कि हम लोग मतलब ऐड करेंगे इन सबको, फिर इस तरह से देंगे कि कौन सा आ रहा है, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग का देखेंगे, ठीक है, फिर माइनस प्लस वगैरह का देखेंगे, फिर मतलब बीच वाले का पैटर्न देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि कोई पैटर्न चल रहा होता है तो उस हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 5 5 10 16, तो इनसे 16 बनता है, लेकिन यहाँ पर 18 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, 9 प्लस 1 10 हो गया, 16 17 18, ठीक हो गया। अब ये देखो, इन दोनों में ना, इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर 16 आ रहे हैं जो साइड वालों को ऐड करके, लेकिन बीच में जो है वो 15 आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले को देखो तो ये 18 आ रहे हैं, यहाँ पर 17 आ रहे हैं। मतलब यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है कि मतलब जो जो एडअप हो के ना साइड वाले जो नंबर आ रहे हैं ना, तो वो एक कम हो के वहाँ मतलब एक माइनस करके ना उनसे वो आ रहा है। लगे यहाँ पर 18 है तो -1, तो ये 17। अब यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है कि 16 माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये 14 हो गया, 24, और 27 27 आ गया, 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 26। तो ये जहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी आंसर है। अच्छा, एक ये एक और तरह का क्वेश्चन है जो कि आईक्यू में आता है NBS के। तो इसको देखते हैं। अब इसमें भी वही वाला सीन है कि आपको जो नंबर दिए गए और ये वाला मिसिंग जो नंबर है ना, आप इसको पॉइंट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एडिंग करेंगे, ठीक है, कि ये एक क्या सीन होता है। तो हम लोग पहले कॉलम में देखते हैं, 10 प्लस 9 और 19 प्लस 6 25, ठीक है। अब यहाँ से तो 25, और अब दूसरे में देखते, ठीक है, तो 14 प्लस 3 17, और ये इसके साथ एडअप करके, तो इससे भी 25 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि दोनों को ऐड करके, कॉलम्स को ऐड करके दोनों से 15 ईच आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब जो है तीसरे में भी यही
काम करेंगे, ठीक है। तो 13 + 1 14 आ गया, ठीक है। और इसके साथ हम लोग ऑप्शन में कोई ऐसा ऐड करेंगे जैसे 25 आ रहा है, ठीक है। अब 7 ऐड करोगे तो वो नहीं आएगा, 5 के साथ भी नहीं, 10 के साथ भी नहीं, 11 ऐड करते, ठीक है। 11 तो 5 और 25, तो हमारा आंसर जो आ रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन सी 11 आ रहा है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहला जो हमारा काम होगा, हम लोग जो है वो साइड वालों के देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से पैटर्न बाल हो रहे हैं, ठीक है। तब इसमें देखें तो 11 1 11 7 1 7, तो 1 + 1 = 2 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे बारे में भी देख लेते हैं, तो 9 1 9 और 15 1 15, तो इसमें 1 + 2 आ रहा है जो कि 3 आना चाहिए, तो ये पैटर्न नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपोजिट जो एक दूसरे के जो नंबर है ना, जो जैसे कि 11 11 हो गया, 7 7, वो सेम है, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी सेम है, और यहाँ पर देखो तो वो भी सेम है। तो इसमें अगर हम लोग जो साइड वाले जो नंबर है इससे कुछ नहीं बन पा रहा ना, और वो सेम भी है अपोजिट वाले और सारा कुछ तीनों में, तो हम लोग फिर मिडिल वाले में देखेंगे कि वो एक पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर है। अच्छा, इस वाले को देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है एनी टीम में, तकरीबन हर एक एनी टीम में ये आता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पहला काम होता है, तो हम लोगों ने इस तरह से या देखना होता है या इस तरह से देखना होता है, प्लस करके या माइनस करके जो भी करके, मतलब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, 11 10 12, और कंजेक्टिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना, तो रो वाइज यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये तो मिसिंग नंबर, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दो दो आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे, 37 37 45 45, तो हमारे पास जो यहाँ पर जो नंबर आएगा ना, तो वो भी इस तरह से आएगा कि ये जो नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 9 आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर होगा वो 9 होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है रो वाइज अगर देख ले, या कॉलम वाइज भी देख ले तो रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इस तरह के एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो मतलब सेम पैटर्न पार होते हैं, तो इसको भी देखना। अच्छा, अगला जो कंसेप्ट है इसको देख लेते, ठीक है। तो हम लोग एज़ यूजुअल हम लोग साइड्स वाले को ऐड करेंगे, पर देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो हो गया 10, और ये 7 और 3 10, तो ये 20 हो गया, यहाँ से 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 10 है, लेकिन खैर इस यहाँ पर भी देख लेते, ठीक है। तो ये जो है वो 10 12 20 और 26, यहाँ पर तो 26 आ रहा है, तो मामला कुछ बन नहीं पा रहा। लेकिन अगर यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे ना, तो यहाँ से 20 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10, जो कि बीच का नंबर आ रहा है। तो दूसरे में भी ट्राई कर लेते, देखते क्या होता है। तो इसका 26 आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका 13 आ रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, इन सब, और फिर डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो बॉक्स के जो बीच वाले नंबर है ना, वो आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास मैचिंग, हम लोग इसको भी जो पैटर्न फॉलो रहे ना, तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे अब। तो ये जो 2 और 8 10, इस 5 15, और ये 15 15, तो 30 हो गया। अब हम इसको भी डिवाइड बाय 2 करें, 2 1 2 2 1 2 2 5 10, तो हमारे पास आंसर आया 15। तो यहाँ पर जो मिडिल नंबर हमारा होगा होगा 15, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो एनिटी में आते, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस से ही समझ में आते हैं, तो इतने मुश्किल नहीं है, 1 2 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो मेक श्योर कि इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। थैंक यू।